नौकरी के लिए कुछ सोचा है कि नहीं, कि हमेशा ऐसे ही अपने दोस्तों के साथ आवारागर्दी करता रहेगा? समझाओ कुछ अपने इस लाडले को। अरे जब मिलना है मिल जाएगी नौकरी पापा, आप इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो? और विजय भाई। अरे आइए आइए शर्मा जी, आओ आइए आओ। और बेटा धीरज क्या चल रहा है? बस अंकल SSC की तैयारी कर रहा हूँ। और सुनाइए शर्मा जी। लड़का बहुत दुबला लग रहा है, लगता है कुछ ज्यादा ही टेंशन ले रहा है पढ़ाई में। अरे उनके हाथ में तो बस मोबाइल दे दो, नौकरी नौकरी की उन्हें कहां परवा कुछ। ठीक है विजय भाई चलते हैं। जी शर्मा जी, फिर मिलते हैं। जी और आना आप। हाँ विजय भाई ठीक है ओके। पहली नजर जब नजर से मिलाई मजा गया, मेरे रश्क के कमर तूने पहली नजर जब नजर से मिलाई मजा गया, बर्क सी गिर गई काम ही कर गई आग ऐसी लगाई मजा गया, जाम में खोल कर हुस्न की मस्तियां चांदनी मुस्कुराई मजा गया। हेलो अखिलेश। हाँ भाई। क्या कर रहे हैं? अरे यार अपनी छत पे खड़ा हूँ पिछले एक घंटे से। एक घंटे छत पे खड़ा क्यों? यार सामने वाली छत पे एक लड़की खड़ी है, बस उसी को ताड़ रहा हूँ यार। अबे तो ताड़ते रहेगा कि नंबर नंबर भी देगा? कैसे दूं यार, वो बहुत दूर है। अबे तो चूती है, कागज ले उस पे अपना नंबर लिख, एक पत्थर ले उस पे लपेट कागज को और उसके छत पे फेंक दे, उसको नंबर मिल जाएगा। और जवानी जवानी से टकरा गई। क्या कर रही हो? फाल लगा रही हूँ साड़ी में। और विजय भाई। अरे आइए आइए शर्मा जी आइए बैठिए। अरे रागनी जी, शर्मा जी आए हैं, चाय आए लेकर आओ जी। अभी लाती हूँ। और शर्मा जी क्या चल रहा है? बस विजय भाई सब ईश्वर की कृपा है, और आप ही बताइए आपके ऑफिस का काम कैसा चल रहा है? ठीक चल रहा है शर्मा जी। लीजिए शर्मा जी चाय। और बेटा धीरज क्या चल रहा है? अंकल 3 दिन पहले मैंने आपको बताया कि SSC की तैयारी कर रहा हूँ, अब 3 दिन में क्या कलेक्टर बन जाऊं मैं? आजकल के लोगों को तो कुछ बोलो ही मत, बस मोबाइल दे दो। ठीक है विजय भाई चलते हैं। जी शर्मा जी, फिर मिलते हैं। जी आना। और देखा इस गवार को, कुछ तमीज सिखाओ इसे। आप चिंता मत करो सब ठीक हो जाएगा, मैं समझा दूंगी उसे।
तो पाई धक धक हुए मोमोना। हेलो। हेलो बेबी। हाय बाबू, क्या कर रहे हो? कुछ नहीं बेबी, बस तुम्हें ही याद कर रहा था। हाउ स्वीट। अच्छा सुनो, मेरा एक काम कर दोगे क्या प्लीज? हाँ बोलो ना बेबी। मेरा जियो का रिचार्ज खत्म हो गया है, करवा दोगे क्या? एक तो बेरोजगार, ऊपर से इस डायन का अत्याचार। हाँ बेबी करा दूंगा ना, करा दूंगा। ओ थैंक यू। अरे रागनी जी, मेरे जेब में 500 रुपए रखे थे, तुमने निकाले क्या? नहीं तो, मैंने नहीं निकाले। हेलो बेबी। बोलो। हो गया तुम्हारा रिचार्ज? बाबू हो गया। बेबी सुनो तो। बोलो। एक पप्पी तो दो। अरे दो ना, एक पप्पी तो दो। दूं क्या? अरे नहीं पापा, अपनी फ्रेंड से बुक मांग रहा था मैं बुक। अरे बेटा, सास भी कवि बहू थी। अच्छा पापा, मतलब आप भी? अरे हराम खोर। तीन साल से तू एसएससी की तैयारी कर रहा है, होता कुछ है नहीं, तू कोई प्राइवेट नौकरी ही देख ले। अब पापा मेहनत कर तो रहा हूँ, रात दिन कोचिंग जा रहा हूँ, कुछ होता ही नहीं है। प्राइवेट नौकरी करने जाऊंगा, 10 घंटे काम कराएंगे, 5000 रुपए देंगे, उससे अच्छा तो मैं घर में ही हूँ। अरे वो शर्मा जी के लड़के से कुछ सीख ले। एक बार ये शर्मा जी का लड़का मिल जाए, ऐसा धोऊंगा ना कि सर्फ एक्सेल ने दाग भी क्या धोया होगा। यार अखिलेश, ये बेरोजगारी तो सिरदर्द बन गई है, ऊपर से घर वालों को लगता है कि हमें अपने भविष्य की कोई चिंता ही नहीं है। हाँ यार, गवर्नमेंट नौकरी में इतना कंपटीशन बढ़ा हुआ है, ऊपर से करप्शन, और प्राइवेट का हाल तो तू जानता ही है यार। हाँ यार, प्राइवेट कंपनी वाले भी साले इंसान को कुत्ता समझते हैं। बिल्कुल सही बोला भाई। और विजय भाई। अरे आइए आइए शर्मा जी, आइए आइए बैठिए। ये फिर आ गया, मेरे को फिर से डसेगा। अरे विजय भाई, तुम्हें पता है मेरे लड़के का तो प्रमोशन हो गया है। अच्छा, ये तो बहुत खुशी की बात है। और बेटा धीरज, क्या चल रहा है आजकल? अरे मैं पूछ रहा हूँ, क्या चल रहा है? अरे घूर क्या रहा है? मैं पूछ रहा हूँ, क्या चल रहा है? उसकी तो छोड़ो, और आप तो ये बताओ इस बार चुनाव में कौन जीत रहा है? अब विजय भाई देख लीजिए, मेहनत तो सब करते हैं, अब जिसको जनता ला ले वो जीत जाए। खैर वो तो आपने सच कहा। हेलो। हाँ विजय भाई। अरे हाँ शर्मा जी। अरे धीरज कहाँ है? वो कोचिंग की एक्स्ट्रा क्लास गया है। अच्छा, एक्स्ट्रा कोचिंग क्लास? जी। जरा डेम पे आके तो देखना जरा कैसे एक्स्ट्रा कोचिंग क्लास चल रही है। अच्छा चलो आता हूँ मैं। Yeah.
क्यों रे, तेरी एक्स्ट्रा क्लास चल रही यहाँ पे। पापा पापा वो ऐसे नहीं पापा नहीं नहीं पापा कुत्ता समझाया कुत्ता समझाया कुत्ता समझाया। यार धीरज, कल तेरे पापा ने जो मार मारी ना अपन को, हाँ। वो किसकी वजह से मारी पता है तुझे? नहीं। अरे वो तेरा शर्मा अंकल है ना, उसकी वजह से। उसने बताया? हाँ। क्या बात कर रहा है? हाँ भाई हाँ। फिर उसका तो कर कुछ उपाय, मेरे को बहुत परेशान कर दिया उसने यार। चल उसको देख ही लेते हैं यार, चल आ जा। हेलो। हाय। यार सुनो, तुम लोगों से एक काम है। हाँ बोलो। एक मेरा शर्मा अंकल है, उसने मेरी नाक में दम कर दिया। एक काम करना है तुम्हें, उनको फोन करना है। अब सुनो क्या बोलना है। ठीक, लगाओ तो फिर फोन। हेलो शर्मा जी। हाँ बोल रहा हूँ। पहचाना कि नहीं? नहीं तो। अरे जरा याद तो करो। कौन बोल रही हो? अरे पहचाने तो। कौन है आप बता दो तुम्ही। कल मिलो कुंद्रू अपार्टमेंट में, रूम नंबर 203 में। कुंद्रू अपार्टमेंट? इंतजार करूँगी मैं आपका। कल कुंद्रू अपार्टमेंट पहुँचता हूँ मैं। साली ने कुटवा दिया रे। पसंद आई तो इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जय हिंद।